शारदीय नवरात्र है और सातवां दिन है आज। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सातवां दिन है आज, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तों का हुजूम मंदिरों में उमड़ा हुआ है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है मंदिरों में। नवरात्रों की पूरे देश में रौनक है, माता रानी का दरबार सजा हुआ है। हर दिन बड़े जोश के साथ श्रद्धालु उत्साह के साथ पहुंचते हैं, माता रानी का गुणगान करते हैं, पूजन अर्चन हो रहा है। मां कालरात्रि की पूजा हो रही है, मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शारदीय नवरात्र का सातवां दिन आज। सातवां दिन है आज। और इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है, पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। नौ दिनों के दौरान मां के दरबार में बड़ी संख्या में हुजूम, भक्तों का हुजूम दर्शन के लिए पहुंचता है, अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए मां की कृपा बनी रहे, जयकारे लगते रहते हैं मंदिरों में, फूलों के साथ श्रृंगार होता है मंदिरों का, रोशनी से जगमगाता है मां का दरबार। और सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। मां के दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए, मां को प्रसन्न करने के लिए आज सातवां स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। राम अवतार उपाध्याय हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, तस्वीरों के साथ। राम अवतार आज सातवां दिन है और मां कालरात्रि की पूजा अर्चना पूरा देश इस समय भक्तिमय माहौल में नजर आ रहा है। आप बताएं कि आप इस समय कहां पर मौजूद हैं, क्या रौनक है मंदिरों की और कितना उत्साह भक्तों में? बिल्कुल, मैं आजमगढ़ के पल्ला मां के मौजूद हूँ और यहाँ की बड़ी मान्यता है। आपने यहाँ पल्ला मां को जिनके गाना भी सुन, मनोज तिवारी के द्वारा, मुगल के द्वारा गाना गाया गया था। और पल्ला मां में ऐसी मान्यता है कि अगर जो लोग भी सच्चे मन से यहाँ पे दर्शन करते हैं तो उनकी निश्चित भारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मेट्रो ट्रेन के सभी दर्शकों को मैं पहले लाइव पल्ला माता जी का दर्शन करता हूँ। आज सातवां दिन है और माता जी का मैं दर्शन करा रहा हूँ। देखिए, ये लाइव दर्शन पल्ला दर्शन हो रहा है और हमारे सभी दर्शकों को आज नवरात्रि के शास्त्रीय दिन काफी ढेर मेट्रो ट्रेन की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, साफ की देखिए यहाँ पर सभी काफी हुजूम उमड़ा हुआ है, महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सभी लोग सुबह से ही यहाँ पर तांता लगा है माता का दर्शन करने के लिए, एक झलक माता की पाने के लिए काफी यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं यहाँ के, जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, और आइए हम उनसे कुछ यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या मामला है। जरा बताए पल्ला माता जी का क्या विषय है। पल्ला जी यहाँ पर और सब जाते हैं माता जी के लिए
बजाय पोखरे में नहाते हैं, इनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और कहते हैं ये शक्तिपीठ है पूजा जी, और यहाँ पर एक पोखरा भी है, जिस पोखरे में अगर स्नान कर लिया जाए तो सारी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और माता की यहाँ पे ये शक्तिपीठ है, जो माता की सभी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माता पहला माँ के घर पर। ऐसी मान्यता है कि सभी जगह अगर आपने दर्शन कर लिया है, लेकिन अगर आजमगढ़ के पल्ला माता का दर्शन नहीं किया है तो निश्चित वो पूरा दर्शन नहीं हो पाता है। आइए, हमारे पास कुछ और लोग भी है, हम आपकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है चक्रपात के राहुल साल के ज्ञान भी आए तो आपको क्या कहना यहाँ विशेष पूजा में क्या होता है? यहाँ हलवा पूरी करता है, माता का विशेष पूजा होता है, पूरे 9 दिन यहाँ दुर्गा सप्तमी का पाठ भी कराया जाता है, और नवमी के दिन वहाँ वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हवन पूजन भी होता है। और यहाँ की बहुत ही आप, मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि देखा महिलाओं की किस तरह की भीड़ है, सभी के हाथों में नारियल चूड़ी और भंगा पूरी लेकर के सभी लोग अपना कर्तव्य पूजन कराना। बिल्कुल, राम अवतार लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत कीजिए, वापस लौटेंगे, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, हम देख भी पा रहे हैं, महिलाएं काफी प्रसन्नचित हैं, क्योंकि कई महिलाएं तो 9 दिनों का व्रत भी रखती है। अनिकेत तिवारी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनिकेत, तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं कि आपकी जहां मौजूदगी है, बड़ी संख्या में तमाम भक्तगण पीछे आपके नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, और भंडारा भी लगा है माता रानी का। देखिए पूजा अगर बात की जाए, आप देख रहे हैं कि तमाम जो माँ भगवती के तमाम जो उपासक के तमाम जो भक्त हैं उनके लिए ये भंडारे का आयोजन किया गया। दूसरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो भक्त हैं माँ भवानी के, वो मंदिरों से माता से आशीर्वाद लेने के बाद में अब निकल रहे हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया मंदिर परिसर के बाद में। यहाँ से ठीक थोड़ी दूरी पर मंदिर है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सामने मंदिर है, और काफी प्रतिष्ठित ये मंदिर बताया जाता है, और आप देख सकते हैं, और तमाम जो बड़ी संख्या में यहाँ जो देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं माँ भगवती के, तमाम जो उपासक हैं वो यहाँ पर भंडारा जो प्रसाद स्वरूप माँ का जो वितरण किया जा रहा है वो करते हुए साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी लखनऊ से तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। तो बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो मंदिरों में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, माता से अपने अपनी मनोकामनाएं अपने अपने तरीके से मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और अलग अलग तरीके से जो माता की जो पूजा अर्चना है वो तमाम माँ के उपासक करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा अगर संभव हो तो बातचीत कीजिए, जो महिलाएं हैं जो दरबार में पहुंचती हैं, कई महिलाएं तो व्रत भी रखती हैं, उपासना करती हैं माँ दुर्गा रानी के 9 दिन, लेकिन फिर भी भक्ति और शक्ति का ऐसा तेज रहता है कि जो 9 दिन का उपवास होता है वो भी मायने नहीं रखता। आप कोशिश कीजिए, और राम अवतार आप जरा बातचीत कीजिए, क्योंकि आप एक महिला से बात भी कर रहे थे, राम अवतार क्या कहना है उनका व्रतों को लेकर, क्या उन्होंने व्रत रखे हैं? राम अवतार आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पूजा जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ पूजा जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पल्ला माँ का धाम काफी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया था कि यहाँ पर लोगों के आते हैं तो दर्शन पूजन करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और यह शक्तिपीठ एक ऐसी शक्तिपीठ है कि जब सभी शक्तिपीठों तो आप यहाँ का दर्शन नहीं करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि पुरुष कमियां रह जाती है, लेकिन माता तो बढ़ती है, और माता दुर्गा चल हो चाहे पल्ला माता हो चाहे माता मैयर हो, सभी जगह की एक ही मान्यता है, लेकिन हर माता का अलग अलग स्वरूप होता है और हर माता के अलग अलग पूजन दर्शन होते हैं। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं, देखिए अभी माता के भक्तों ने जोरदार जयकारा भी लगाया था। यहाँ सुबह 4 बजे भोर से ही प्रथम मंगला आरती के साथ यहाँ पूजन अर्चन शुरू हो जाता है, और साथ में अभी पूजन अर्चन के बाद यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ चारों तरफ माता का
आरती होती है और माता को विशेष पूजा है। प्रसाद की थाली में क्या क्या भक्तगण क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए आपके बगल में एक सज्जन माँ को भोग चढ़ाने आ रहे हैं, क्या क्या है उनकी थाली में? मैं भक्त दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए नारियल है, चुनरी है और बिंदी है और सिंदूर है और सारी चीजें हैं, माता को ये चढ़ाया जाएगा। और देखिए ये पूरी डाली के साथ आती है महिलाएं, मैं महिलाएं कई बात कर रहे हैं, आज माता का दर्शन करने हैं। कटल देखिए जब सभी लोग कहती है बहुत चेहरे पे प्रसन्नता होती है, नौ दिन के नवरात्र के बाद बिल्कुल उपवास के बाद भी लोगों के चेहरे पे जो तेज है वो निश्चित देखने लायक होता है। बिल्कुल माता का जो पूजन होता है नौ दिन उपवास के बाद। और तस्वीरें तो हम लगातार पहुंचा ही रहे हैं दर्शकों तक, ये उल्लास की तस्वीरें, भक्तिभाव की तस्वीरें। अंशुमन भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अयोध्या से, लेकिन पहले एक छोटा सा हम अंतराल लेंगे, उसके बाद लौटेंगे और उसके बाद आपको अयोध्या की रौनक दिखाएंगे। फिलहाल एक अंतराल। नवरात्रों का सातवां दिन है और रौनक लगातार बनी हुई है। अयोध्या का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अंशुमन तिवारी वहां पर जुड़े हुए हैं। अंशुमन, आपके पास आते हुए ये बताइए कि माता रानी के जो दरबार हैं वो सजे हुए हैं, अयोध्या की रौनक क्या बता रही है? तस्वीरें भी दिखाइए और किस श्रद्धा भाव के साथ वहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो पहुंच रहे हैं। पंडालों के साथ साथ देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, भक्तों का सपा किसी का नाम नहीं लेगा। सुबह भोर की मंगला पूजा के बाद से यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाता है और शाम की छह आने के बाद भी तांता किसी का नाम लगता था। जिस मंदिर में मौजूद हूँ मंदिर में ये माता जानकी के लिए ले जाता है। तो चलिए अयोध्या नगरी, श्री राम की नगरी, अपनी भव्यता से विश्व में तो विख्यात है ही, लेकिन नवरात्रों के दौरान भी इसकी छटा अलग ही रौनक बिखेरती है। आज सातवां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना जो है वो माता के दरबार में हो रही है। जी अंशुमन। जी ये छोटी देवकाली के नाम से ये मंदिर अयोध्या में प्रसिद्ध है और ये माता जानकी की कुल देवी का मंदिर है। माता जानकी जिन गौरी का, जिन कुल देवी का अपने पूजन कर रही थी, गौरी का पूजन करके उन्होंने भगवान राम के लिए प्रार्थना की थी उन्हीं के हाथों में, ऐसी मान्यता है वही कुल देवी है। माता सीता उनको लेकर अयोध्या आई थी और उनको अयोध्या में इसी स्थान से स्थापित किया था। माँ छोटी देवकाली के नाम से जाना जाता है क्योंकि आज नवरात्र का सातवां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है। ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी हुई थी, भक्त यहाँ पर आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। हम आपको अपने सहयोगी से कहेंगे कि माता जी के दर्शन भी कराएं भक्तों को। माँ देवकाली तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, मंदिरों की भव्यता देखते ही बन रही है। राम अवतार। ये पूजा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पल्ला माता में मैं अपने सभी मेट्रो ट्रेन के दर्शकों को एक जो शक्तिपीठ में माता का जो पालथी गिरा था मैं उसका दर्शन कराना चाहता हूँ। अब ये देखिए यहीं पे ये पालथी गिरी थी, ये माता का यही पालथी है जो शक्तिपीठ में गिरी थी, जैसा की पुजारी जी का कहना है। देखिए ये यही माता की जो फूल है जो रखा गया जी, वही पालथी गिरी थी माता जी की और सीधे देखिए हमारे पुजारी जी यहाँ के दर्शन करा रहे हैं उस पालथी का। और ये देखिए यही माता जी की पालथी यहाँ पे गिरी थी और जिससे ऐसी मान्यता है कि माता स्वयं यहाँ पर विराजमान रहती है, पूरे नौ दिन यहाँ पर माता विराजमान रहती है और सभी लोग यहाँ पूजा अर्चन करते हैं, माता का साक्षात दर्शन होता है। और यहाँ की पल्ला माता जी बहुत ही विशेष यहाँ का पूजन अर्चन होता है। यहाँ एक भागीरथीपुर गाँव है,
जहाँ की बंसीपुर जो गांव है यहीं पे सारे ब्राह्मण यहाँ पूजा अर्चन करते हैं और कहीं के भी नहीं पूजा अर्चन करते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और साथ ही आप भक्तों को भी देख सकते हैं, काफी भक्त भी आए हुए हैं और सारे भक्तों का ये है, ये देखिए कुछ नवरात्र में कैसा लग रहा है, क्या व्रत भी है किस दिनों दिन का, देखिए एक दृष्टि है, ये भी नौ दिन के नवरात्र में व्रत रहती है और माता का एकदम फिर उससे दर्शन कराना चाहते हैं कि ये देखिए हमारे भक्तों को सीधा माता पलना जिसको पलना दर्शन करते हैं, देखिए आप सीधा दर्शन लाइव दर्शन करा रहे हैं अपने भक्तों को और माता का दर्शन सभी लोग यहाँ पे माता का एक पालकी जो है सक्षम किया था, इसीलिए यहाँ का धाम पलना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे राहुल साहब की टाइम से लेकर के बहुत पुराना यहाँ शक्तिपीठ है ये और यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सा पूजा अर्चन होकर सौ मास बारहों महीने भक्तों की भीड़ रहती है। और नवरात्र में तो विशेष चाहे वो चैत का नवरात्र हो, चैत कार्तिक नवरात्र हो या कोई नवरात्र हो, यहाँ पर पूजन अर्चन होता है बकायदा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ, यहाँ पर सरस्वती का पाठ भी कराया जाता है और पूजन अर्चन कराया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, भी तस्वीरें दिखाने के लिए धन्यवाद आपका अंशुमन तिवारी और धन्यवाद आपका राम अवतार उपाध्याय।